सर पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शेखर पंचाल है। मैम आपका? या आई एम स्मृति पंचाल, मिसेस एशिया इंटरनेशनल, एंड एसिस एसोसिएट इज आवर कंपनी एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग द ब्यूटी पेजेंट्स। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन फैशन शोज एंड ब्यूटी पेजेंट, because in beauty pageant we are, it's like enhancing, it's a beauty in woman. It's not only the outer beauty but even the inner beauty we are enhancing, and this is now our season 3, Miss and Mrs. Apsara India 3, and Shekhar Panchal and Miss Smriti Panchal, we are the organizer. He is my best buddy and my husband too. And Shekhar, just tell them about our pageant. Miss and Mrs. Apsara India is a celebration of our womanhood, and we want all the females who have low confidence to build their confidence and be strong towards their life. And the basic cause of our event is the woman empowerment. We are serving this cause through our NGO Swalamban. नेक्स्ट ईयर सर एक शो कराना बहुत मुश्किल काम होता है, आपने तीसरा सीज़न भी चालू किया है, तो कितनी मुश्किलें आई हैं बीच में और किस तरह से आप ये कर देते हैं? बस चालू किया तो जो भी मुश्किलें आती है, हालात हम वो हिसाब से हैंडल करते हैं, कुछ सीखते हैं कैसे हालातों को हैंडल करना है और आगे बढ़ते हैं। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड वी आर लर्निंग मोर। और क्या क्या प्रोसेस होते हैं सर, जैसे कोई आपके शो में भाग लेना चाहे तो उनके लिए उनको क्या क्या, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जो प्रोसेस है, हम हिंदुस्तान के बहुत सारे जो छोटे छोटे टाउन्स है, सिटीज़ है, वहाँ पे ऑडिशंस रखते हैं। वो ऑडिशंस का हम प्रमोट करते हैं उस सिटी में कि यहाँ पे हमारा ऑडिशन है। हम सभी लोगों को, फीमेल है, जो मैरिड है, अनमैरिड है, वो लोग वहाँ पे आते हैं, ऑडिशन लेते हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत इंटरेस्ट से आती है, उनको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। और अपना ऑडिशन देने के बाद उनका सिलेक्शन होता है, तो दे आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन आवर पेजेंट। मैम जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत एजेड महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो जैसे कि वो ताज के लिए आपके पास आई हैं, वो चाहती हैं कि हम मिस अप्सरा बने। अगर आप किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं कि उनको जो है सब, जैसे कि आप ऑलरेडी मिस एशिया रह चुकी हैं, मिसेज एशिया, तो उन चीज़ों का ख्याल उनको क्या बताती हैं आप, क्या टिप्स देती हैं? या मैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल रह चुकी हूँ और अभी मैं मिसेस वर्ल्ड जोहान्सबर्ग जा रही हूँ साउथ अफ्रीका 19 सितंबर को। और मैंने जितना भी स्टडी किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैंने देखा है कि इट्स वुमन एम्पावरमेंट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ, बिकॉज इज़ द मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड। और इसमें बहुत जगह पे मैंने देखा है कि इस डोमेस्टिक वायलेंस होता है बहुत सी जगह पे, तो हम लोग उसको रोकना चाहते हैं। और मैंने जो स्टडी किया है कि छोटी बच्ची से देके कोई भी एक बड़ी महिला है, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई एक छोटी सी बच्ची रहती है, और उनके अंदर सब लेडीज़ लोगों के अंदर एक इनर टैलेंट जो है वो छुपा रहता है। सो वी वांट टू बूस्ट दैट टैलेंट। एंड मैं कहना चाहूँगी कि उनके अंदर जो 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 टैलेंट है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे हम लोग खाली 3 विनर्स नहीं निकालते हैं। विनर होना यानी सब लोग विनर नहीं हो सकते, ओनली द 3 कंटेस्टेंट विल बी द विनर। But here we are giving subtitle to the all winner, all contestant. That is the because of हर एक कंटेस्टेंट के अंदर कुछ ना कुछ खूबी, टैलेंट जो है वो छुपा है। तो हम लोग उसको अभी 3 दिन में स्टडी करेंगे अच्छे से, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, तो वो हिसाब से हम लोग उनको सबटाइटल्स भी देने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी लेडीज़ आई है, इंडिया के हर एक जगह से आई हुई है, तो हर एक की एक अंदरूनी ख्वाहिश है, जो उनके सपने हैं जो बचपन से पूरे नहीं हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म पे चलना चाहती है, वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है। तो दिस इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम, दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम। और ये जो है, इससे उन लोगों को मीडिया अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वो सीरियल में आ सकती है, मूवीज़ में आ सकती है। मे बी दिस इज़ नॉट उनका वो करियर नहीं हो सकता है, उनकी वो हॉबीज़ हो सकती है, लेकिन उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने की हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। मैम अभी मैंने सारे कंटेस्टेंट्स आपके बारे में वर्ड्स लिए तो वो आपकी स्माइल की बहुत तारीफ कैसे कर लेती हैं आप? सो मैं कर नहीं लेती हूँ, दैट इज़ ऑल माई, दिस इज़ अ नेचुरल स्माइल. और मैं समझती हूँ कि यू नो इट्स अ स्मॉल थिंग्स, यू नो व्हेन यू आर गिविंग स्माइल टू अदर पर्सन द अदर पर्सन इज ऑल्सो स्माइलिंग टू यू. हम लोगों की लाइफ बहुत छोटी है और अगर हम एक दूसरे के लिए अगर अच्छे फीलिंग्स रखें तो लाइफ अच्छे से गुजर जाती है. अगर सामने वाला हम लोगों को गुस्से से देखे जस्ट इग्नोर दैट पर्सन, लेकिन दिस इज़ लाइक यू नो एक नेचुरल स्माइल रहती है. दैट इज़ यू कैन से इट्स माई स्माइल. ऐसे हस्बैंड आपके क्या मतलब वर्ड्स रहेंगे मैडम के लिए कुछ स्माइल को लेकर? किसी के हस्बैंड अच्छे मिलते हैं, नसीब की बात है, तो आप कुछ बताएंगे? इन हाउस स्माइल है, अच्छा लगता है. अच्छा, आगे का क्या प्लान है, मतलब शो होने वाला है आपका? देखिए, ग्रैंड फिनाले में हम लोगों के जो इन्वाइटीज़ है दे आर द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, इवन सम पॉलिटिशियंस आर देयर. एंड ये जो अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा लड़कियों के लिए, कंटेस्टेंट के लिए, उसमें से कोई लड़कियां जो है वो सीरियल के लिए, मूवी के लिए भी चुनी जा सकती है. हम लोग जो विनर्स हैं उस विनर्स को हम लोग एक म्यूज़िक एल्बम प्रोवाइड कर रहे हैं. उनका कैलेंडर शूट होगा, कैलेंडर लॉन्चिंग होने वाला है उनका, और उनको बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट भी है और हम लोगों उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं. सर आपसे एक बार क्वेश्चन. इतना बड़ा शो मतलब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और क्या उनके लिए आपके पास वर्ड होंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट जो हैं आप? शो ऑर्गेनाइज करना, इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और वो हम लोग पूरा मायने रखते हैं कि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो. जो भी मुश्किलें आती हैं उनको अच्छी तरह सॉल्व कर देते हैं और हम उसी लिए पहले ही प्रिपरेशन हमारा ऐसा होता है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए तो हम लोग इतना हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं कि हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें कि किसी को प्रॉब्लम ना आए. हम लोग परफेक्शन से ज़्यादा मायने देते हैं. इवन ये 3 दिन जो है यहाँ पे कंटेस्टेंट है उनकी पंक्चुअलिटी कितनी है, हाउ देयर बिहेवियर विद अदर कंटेस्टेंट, उनके अंदर जो छुपा टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट राउंड भी होने वाला है तो उनके अंदर जो छुपा टैलेंट है उनको हम लोग बाहर लाने की कोशिश करते हैं. दैट टाइम सम मूवीज़ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर विल बी देयर, जो सम कंटेस्टेंट इसमें सिलेक्ट भी हो सकते हैं मूवी के लिए. और मैं सब कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी और मैं जानती हूँ कि ये सभी कंटेस्टेंट जो है they are really beautiful and they are very much talented. शो कब होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, इसका फाइनल कब होने वाला है? ये ग्रैंड फिनाले जो है ये 1 सितंबर को ITC फॉर्चून वाशी में है एंड यू ऑल आर इन्वाइटेड फॉर दिस शो. एंड मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग आए और शो देखें हमारा, और हमारे कंटेस्टेंट जो है ये टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल हैं तो आप वो शो को ज़रूर एंजॉय कीजिए. सर आप सभी को इनविटेशन है, आप आइए हमारा शो देखने के लिए. इट्स ऑन द 1 सितंबर इवनिंग तो वी वांट यू एवरीवन शुड कम एंड सी the overall show, and I wish all the best for all the beautiful contestants. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.